नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देसी डिलाइट में। मेरा नाम है जूही और आज मैं आप ही लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार रेसिपी, जो है चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, या फिर इसे आप केक को सजाने वाली क्रीम भी कह सकते हैं। मज़े की बात तो यह है कि मैं आज इसे बहुत ही अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, बिना किसी मशीन और बिना किसी झंझट के और बिना व्हिपिंग क्रीम के। बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं हम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेज़रमेंट पे मिल जाएगा और सारी चीज़ें इजी अवेलेबल होती है मार्केट में। इस फ्रॉस्टिंग से आप अपने मनपसंद केक को सजा सकते हैं और डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस फ्रॉस्टिंग को बनाना। सबसे पहले एक बोल में जाएगा बटर। बटर का मेज़रमेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसे हम स्पून से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे या फिर मैश कर लेंगे, और इसके बाद हम विस्कर से इसे फेंटना शुरू करेंगे ताकि ये थोड़ा सा लाइट और फ्लफ़ी हो जाए। तो आज की फ्रॉस्टिंग हम बटर से बनाएंगे। ये हर जगह इजीली अवेलेबल होता है और साथ ही इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल व्हिपिंग क्रीम जैसा ही होता है, और इससे फ्रॉस्टिंग बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस विस्कर से हम इसे ऐसे मिक्स करना शुरू करेंगे, और थोड़ी ही देर बाद आप नोटिस करेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल दुकान वाले फ्रॉस्टिंग जैसा ही होगा, थोड़ा सा अलग होता है बिकॉज़ हम बटर से बना रहे हैं और दुकान की जो फ्रॉस्टिंग होती है वो लोग व्हिपिंग क्रीम से बनाते हैं, वो अलग ही आता है जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो उस केस में आप बटर से भी बना सकते हैं फ्रॉस्टिंग। एंड रिज़ल्ट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है और टेस्टी भी बनती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये वाला प्रोसेस जो मैं अभी बीट करने वाला कर रही हूँ, फेंटने वाला, इस प्रोसेस को आप जो इलेक्ट्रिक हैंड बीटर आता है उससे करें तो उससे काम और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। बट जिनके पास नहीं है वो मेरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो आपको इसे फेंटते हुए इस तरीके का करना होगा। बटर काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुका होगा कलर में भी और वेट में भी। यहाँ पे बटर को मैंने बीट किया है 10 मिनट, या फिर आप उससे ज़्यादा भी ले ही सकते हैं। तो इसके अंदर इस टाइम पे अब हम ऐड करने वाले हैं पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर को आप सारा एक बार में ही नहीं डालिए, इसका भी मेज़रमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पाउडर्ड शुगर को हम बैचेस में डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करेंगे, फिर दूसरा बैच हम डालेंगे। ऐसा करने से लम्स भी नहीं पड़ता। चीनी को आप जब तक मिक्स करें जब तक कि चीनी अच्छे से बटर में डिज़ोल्व नहीं हो जाता। अभी इस मिक्सचर को हमें और बीट करना है। ये बिल्कुल भी फ्लफ़ी नहीं दिख रहा है, तो इस टाइम पे इसी बीच हम ऐड कर देंगे वेनिला का एसेंस। अगर आपको चॉकलेट फ्रॉस्टिंग नहीं बनाना है तो बस वेनिला का फ्लेवर डाल के आप इसे मिक्स करके छोड़ सकते हैं, बट अभी मुझे चॉकलेट वाला बनाना है तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद हम इसे मिला लेंगे। मैं बना रही हूँ चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, तो सिर्फ कोको पाउडर से ही उतनी चॉकलेटी तो लगेगी नहीं। तो यहाँ पे 2 डेढ़ मिनट चॉकलेट को मैंने थोड़े से गर्म दूध में डालकर मेल्ट कर लिया है, इसे भी हम फ्रॉस्टिंग के अंदर डाल देंगे। आप चॉकलेट्स को डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं या माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, बट गर्म दूध में अभी मेल्ट करने से क्या होगा कि ये जो चीनी है ये घुलने में आसानी हो जाएगी और फ्रॉस्टिंग थोड़ा सा और स्मूथ बनेगा। तो बस इसे फेंटते रहना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा होगा, आप देखेंगे। और लग रही है ना बिल्कुल दुकान वाली चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। हाथों की तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी,
बट एंड रिजल्ट आप देख सकते हैं। इससे आप अपने मनपसंद के केक को डेकोरेट कीजिए। दिखने में जितनी यम्मी लग रही है उतनी खाने में भी होगी, आप ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।